पिछले दिनों हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला आया था। कुछ लोग फैसले को संतोषजनक बता रहे हैं, तो कुछ लोग फैसले की समीक्षा की बात कर रहे हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस केस में इन्वॉल्व रहने वाले शिक्षक एक सामंत से मीडिया प्रभारी केशव जी है, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन लोगों का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है या फिर फैसले संतोषजनक फैसला रहा है, क्या कुछ आगे की प्लानिंग है? केशव जी, क्या प्लानिंग चल रही है आगे की? आशुतोष जी, जो हम लोग की प्लानिंग है, अभी डिसीजन आया है, जो मुख्य हम लोग का डिमांड था, जिसको बहुत सारे लोग बिना पढ़े हुए या फिर कह सकते हैं बिना समझे हुए या जानबूझकर शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मेन था कि सरकार कही थी कि जो परीक्षा में पास नहीं करेंगे या नहीं परीक्षा देंगे उन पर कमेटी निर्णय लेगी, और कमेटी के पाठक जी अपने अध्यक्षता में स्वयं बना लिए और उसका निर्णय ले लिए कि जो पास नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा। और इस पर सरकार कुछ नहीं किसी बयान देते रहे, लेकिन वह निर्णय खत्म नहीं हुआ। तो हुआ कि हम लोग जिस सेवा में हैं उस सेवा से आप दूसरे सेवा में जबरदस्ती नहीं भेज सकते, और तो इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ हम लोग को राहत दी बल्कि एक बड़ी जीत दी कि नहीं, जो उस सेवा में जाना चाहे वो परीक्षा दे, नहीं जाना चाहे नहीं दे। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट कहते हैं। हाई कोर्ट, जी जी, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। हाँ, हम लोग हाई कोर्ट गए, उसमें अधिवक्ता हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नायडू साहब को लाए हुए थे, और वह डिसीजन दिए कि नहीं, पूछा था कि सरकार कह रही थी कि यह अब खत्म हो गया, जैसे जो प्राधिकार था सो खत्म कर दिया, नियमावली खत्म कर दी। हाईकोर्ट कही कि जो नियमावली 2020 है जिसके तहत प्राधिकार है वो लागू रहेगा, और जो इनको प्रोन्नति का या अन्य सुविधा है वो भी सरकार दे इस सर्विस में, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, तो बिना शर्त राजकर्मी के दर्जा पर सरकार एक लाइन कही कि ये तो अलग हम नौकरी दे रहे हैं, वह नौकरी हम नहीं दे रहे हैं, इसमें जिसको जाना है जाए, नहीं जाना है नहीं जाए। और इसको लेकर के हम लोग लगातार बड़े वकील से समीक्षा करवा भी रहे हैं, तो अभी हम लोग कोई अंतिम क्या करना है आगे, इसके लिए आंदोलन करना है या फिर न्यायालय के दरवाजे का क्या करना, इस पर अंतिम रूप से अभी हम लोग निर्णय नहीं लिए हैं, क्योंकि बड़े महा अधिवक्ता से राय लेने के बाद कि क्या क्या संभावनाएं बनती है, क्या हो सकता है, उसके बाद हम लोग आगे निर्णय लेंगे। अच्छा ठीक, केशव जी, आपने पहले भी कमेटी जो रिपोर्ट दी थी उसके बाद मौखिक रूप से ही सही शिक्षा मंत्री जो तत्कालीन से विजय चौधरी, उनका भी बयान सुना, और जब फैसला आया उसके बाद भी उन्होंने बयान दिया कि जो हम लोग कहते थे वही तो हाईकोर्ट ने किया है, तो इसमें अलग क्या है, हम लोग तो वही कर ही रहे थे और बोल भी रहे थे, तो वही सारी चीजें हुई है, तो इसमें सरकार गलत कहाँ है, वो तो अपने स्टैंड पर है भी आज ही, तो उसमें नया कुछ कहाँ मिला है, ये कहना है शिक्षा मंत्री जो कुछ समय के थे फिलहाल तो अभी ये है। हाँ, विजय बाबू का स्टेटमेंट आया था, देखिए यह प्रजातंत्र के लिए बहुत ही घातक चीज है कि आज बिहार ही नहीं पूरे देश की जितनी पार्टियां हैं वन मैन पार्टी हो गई है, और बाकी लोग उसी के इर्द गिर्द से मटकर रह गए हैं, वो कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, सोचने की क्षमता के बावजूद वो कहते हैं कि हमने कहा था नहीं हटाएंगे। चिट्ठी किसके दस्तखत से निकलता है, विजय चौधरी के दस्तखत से या के पाठक के दस्तखत से? तो जब के पाठक अपने दस्तखत से निकाल दिए कि हटा दिए जाएंगे, उस चिट्ठी को आज तक ले रद्द क्यों नहीं किया गया? जब तक रद्द नहीं होता है तब तक तो चिट्ठी लागू है। और रही बात उस समय के शिक्षा मंत्री, तो उनसे बहुत ऊपर के लोग ना मुख्यमंत्री है, जो विधान मंडल में घोषणा नहीं किए बल्कि निर्णय किए कि स्कूल 9 से 5 नहीं 10 से 4 चलेगा, लेकिन अभी बेतिया के जो डीओ हैं वो पत्र निकाले हैं कि 9:05 तक सारे शिक्षकों का सामूहिक फोटो और अटेंडेंस रजिस्टर का फोटो व्हाट्सएप पर डालिए, और जो 9:05 तक नहीं डालेंगे तो पूरे विद्यालय को अनुपस्थित मानते हुए 15 दिन का उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री के बाद डीओ नहीं मान रहा है, वो तो अपर मुख्य सचिव बड़का चीज है, जिसके सामने में कोई शिक्षा मंत्रालय लेने के लिए नहीं तैयार है आज के डेट में। नहीं ठीक है केशव जी, आप कहे कि उसको रद्द क्यों नहीं कर दिए, लेकिन उसको लागू तो नहीं किए ना, जो अनुसंधान लागू है वो लागू है चिट्ठी क्या, जो रिपोर्ट के पाठक की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने सरकार को रिकमेंड की, अनुशंसित की,
उस रिपोर्ट को सरकार ने खारिज नहीं किया, ठीक है, वो अनुशंसा नहीं है, वो सरकार की अनुशंसा नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठा छाप हसुआ चला के MPML नहीं बनते हैं। कमेटी की वो निर्णय है जिस पर एक लाइन लिखा हुआ है कि इस पर सरकार का भी अनुमोदन लेना आवश्यक है। हाँ, ये नहीं लिखा, उन्होंने सरकार को नहीं भेजा है वो पत्र। देखिए वो अनुशंसा कब होता, जब वो सेवा में शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री लिखते और सरकार को भेजते कि ऐसा किया जाए, ऐसा नहीं है। वो निर्णय है कमिटी का कि यह होगा, इन लोगों को हटा दिया जाएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है वो सेवता से मुक्त हो जाएंगे। जब मतलब मुक्त हो जाएंगे कानून तो, के पेच में फंसा करके आप लोगों को घसीटा जा रहा था, जिससे मुक्ति मिल गई एक तरीके से पटना हाई कोर्ट के फैसले आने के बाद। बिल्कुल, दक्षता परीक्षा के समय भी तो कहे थे सरकार की नहीं हटाएंगे, इन लोगों को सिर्फ दक्ष कर रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ, हटाने का निर्णय हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट से उसको मिला न्याय। अच्छा, तो ये जो है दाव पेच में गोल गोल घुमाने वाली बात है कि हम ये कल सीधा हमारा सवाल है कि आखिर शिक्षा विभाग का प्रधान कौन, 10 से 5 की 9 से 4, जिसके आदेश से चल रहा है प्रधान, वो ना होगा। नहीं, ठीक है। और विडम्बना तो ये भी है कि जो आप लोग का फैसला है उस पर जो मौजूदा शिक्षा मंत्री है उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन जो पूर्व शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी का रिएक्शन आता है। ये भी दिलचस्प है जो कुछ भी हो रहा है केशव जी। हम पहले ही कहे कि नाम नहीं लेना चाहते हैं, बिहार भारत की जितनी पार्टियां हैं जी वो सब वन मैन पार्टी हो गई है। कोई MP विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े IAS हैं, IPS हैं, फिर भी वो नहीं कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए। वो कह रहे हैं क्यों हमको वोट दीजिए, मांग रहे हैं कि वोट दीजिए, ये नहीं कह रहे हैं कि हम अर्थशास्त्री है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, उस पर संशोधन करेंगे, उस पर शोध करेंगे, ये नहीं कह रहे हैं। बहुत वो कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, क्यों भाई, तो हमारे नेता बहुत बड़े चाय बेचने वाले थे इसलिए हमको वोट दीजिए। दूसरा पार्टी कह रहा है कि हमको वोट दीजिए, क्यों भाई, तो हमारे नेता बहुत बड़े दूध बेचने वाले थे इसलिए हमको वोट दीजिए। अब तो वोट मांगने का आधार हो गया है कि के चाय बेचता है, के दूध बेचता है, यह वोट मांगने का आधार नहीं है कि कौन कितना बड़ा IAS है, कितना बड़ा जर्नलिस्ट है, कितना बड़ा एक अर्थशास्त्री है, उस पर वोट उठना मांग रहा है लोग, ये स्थिति हो गई है। अच्छा चलिए, लेकिन एक जो मुख्य मांग थी सबसे ज्यादा उस पर आप लोग का फोकस था, ऐच्छिक स्थानांतरण, उस पर कुछ नहीं आया है, तो उस पर क्या अगला स्टेप होगा? हाँ, ये बात सही है कि उस पर अच्छा स्थानांतरण नहीं था, उसमें भी इसलिए था कि सरकार कही थी कि 3 जिला का ऑप्शन हम लेंगे और 3 जिला में कहीं भी पोस्टिंग करेंगे। तो जो कंडिका 4 को हाईकोर्ट ने निरस्त किया है उसमें 3 जिला वाली भी बात है, इसीलिए हम कहे कि अभी उसको हम लोग कानूनी रूप से व्याख्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसी में है कि 3 जिला का ऑप्शन लिया जाएगा। तो जब वो कंडिका 4 रद्द हो गया तो 3 जिला वाला ऑप्शन भी ऑटोमेटिक रद्द हो जाना चाहिए जी। तो फिर जिला के अंदर होगा स्थानांतरण, तो ऐच्छिक स्थानांतरण फिर वो सरकार से लड़ाई की बात है या सरकार की मानने की बात है, चूंकि हमारा जायज मांग है, उसके लिए हम लोग आचार संहिता के बाद फिर लगेंगे कि वो मांग हमें मिले। अगर वो मांग कोर्ट के थ्रू ही मिले तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार कर सकते हैं। हम लोग फिर उस समय विचार करेंगे कि लड़ाई को न्याय की दिशा में बढ़ाया जाए कि सरकार के दिशा में बढ़ाया जाए, क्योंकि न्याय की दिशा में हम लोग तभी ना जानते हैं जब सरकार नहीं मानती है, जब बिल्कुल अधर्मिता पर उतर जाती है। ऐसे तो हम लोग सरकार से ही चाहते हैं कि मिल जाए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सरकार के स्तर से ही ये सॉर्ट आउट हो जाए आप लोग का प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। धन्यवाद।